दोस्तों Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ है। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप यहां पर Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये स्मार्टफोन लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर आपको ये फोन लेने से आपका पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन से वो लॉन्च हुए हैं, जिसमें Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहां पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि देखो स्मार्टफोन्स में किसी भी चीज में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्या कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में। अगर आप यहां पर इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, आपने फर्स्ट फ्लैश सेल वगैरह में परचेस किया होगा, तो आपको इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए लगभग यहां पर 15 से 20 दिन हो गया होगा। तो आपके साथ में क्या चीजें हो रही हैं, आप क्या चीजें फेस कर रहे हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल अगर बात करें सबसे पहले इस स्मार्टफोन की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो दोस्तों अगर सबसे पहली अच्छाई के बारे में बात करें जो कि इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग है, तो नो डाउट इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी एक ट्रेंडसेटिंग डिजाइनिंग देखने को मिलती है, जिससे स्मार्टफोन काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर आप फ्रंट के साइड की डिजाइनिंग को देखेंगे तो आपको एक सेंटर पंचो डिस्प्ले डिजाइन के साथ में कर्व सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहां पर आपको कर्व डिजाइन होने की वजह से जो स्मार्टफोन है वो फ्रंट की साइड से काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी बड़ा फील होता है, और जो सेंटर पंचोल है वो भी काफी ज्यादा छोटा दिया गया है, जिससे प्रीमियमनेस और बढ़ जाती है। स्मार्टफोन के सेम टू सेम अगर बैक पैनल के बारे में बात करें तो बैक पैनल की भी जो डिजाइनिंग है वो नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है। आपको एक ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जो कैमरे का सेटअप है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो स्मार्टफोन है लेदर बैक और ग्लास बैक दो ऑप्शन में आता है, और ग्लास बैक वाली जो डिजाइनिंग है वो वाकई काफी ज्यादा प्रीमियम है। साथ ही साथ अगर बात कर लें स्मार्टफोन की और भी डिटेल्स के बारे में, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को मिलती है। इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7200 Ultra का 5G प्रोसेसर, जो कि यहां पर आपको काफी अच्छी एक गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, और आपका जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है वो भी इस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा अच्छा निकल करके आता है। परफॉर्मेंस को लेकर के आपको कोई भी यहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को नहीं मिलेंगी। स्मार्टफोन की अगर बात करें हम यहां पर और भी चीजों के बारे में, तो आपको यहां पर 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आप 0 to 100% इस स्मार्टफोन को आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे यानी 30 मिनट में चार्ज कर लेंगे। तो यहां पर 120 वाट की चार्जिंग के साथ में आप इस स्मार्टफोन को काफी फास्टली चार्ज कर सकते हैं। स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो पीछे की साइड देखने को मिलता है, जिससे जो इमेज क्वालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये तो बात हो गई इस स्मार्टफोन की अच्छाइयों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन की क्या कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और क्या कुछ हमें कमियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करूं जो कि है इस स्मार्टफोन में बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स। अब आपको Redmi के हर एक स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती ही होगी कि Redmi वाले क्या करते हैं, अपने MIUI के साथ में इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स दे देते हैं कि स्मार्टफोन में मतलब फालतू के एप्लीकेशन भर जाते हैं, जिस एप्लीकेशन का हमें यूज भी नहीं है वो भी जबरदस्ती का हमारे फोन में पड़ा होता है, और हम उसे चाह करके भी डिलीट नहीं कर सकते। आप बहुत करेंगे, आप उसे फोर्स स्टॉप कर देंगे, लेकिन आप डायरेक्टली उसको परमानेंटली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये चीजें गलत हैं। यूजर के एक्सपीरियंस पे होना चाहिए कि यूजर को जो जो नीड है वो एप्लीकेशन वो अपने आप हिसाब से उसमें रखेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि आपको जबरदस्ती का जो जिस एप्लीकेशन से आपको कोई लेना देना ही नहीं है वो एप्लीकेशन भी जरूर से आपके स्मार्टफोन में पड़ी रहेगी। तो Redmi को ये चीजें जरूर से इंप्रूव करनी चाहिए अपने MIUI के साथ में, और Redmi के लगभग हर एक स्मार्टफोन में ये झमेला होता ही है। साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर इस स्मार्टफोन की कुछ और कमियों के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 30 से लेकर के 36-37 हज़ार रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है, लेकिन इतना पैसा देने के बावजूद भी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है, जबकि इस बजट में आप देखेंगे तो इनफैक्ट इसे कम भी बजट में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है, लेकिन यहां पर अभी भी स्टिल आपको Redmi जो है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो कम से कम 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा प्रोवाइड करना चाहिए था। अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करें, अगली जो प्रॉब्लम है वो है इस स्मार्टफोन का कैमरा। अब आप कहेंगे कि मैंने तो अभी आपको बताया कि इसमें 200 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा है, तो फिर प्रॉब्लम कहां से आ गई? तो
मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको डे लाइट जो परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन के कैमरे में वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, काफी प्रीमियम देखने को मिलती है। इनफैक्ट जब आप इमेज वगैरह क्लिक करते हैं और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में फोटो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो इमेज है वो काफी ज्यादा नेचुरल सी फील होती है और जो कलर वगैरह है वो काफी ज्यादा साफ निकल करके आता है, बहुत ज्यादा ओवर सेचुरेटेड आपको नहीं मिलेगा, ओवर एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में, जब आप रात में स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो को क्लिक कर रहे हैं, नाइट मोड में फोटो को क्लिक कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इस स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो इमेज को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता, जिससे नाइट मोड में जो फोटो है वो थोड़ी सी आपको ओवर सैचुरेटेड, ओवर एक्सपोजर, ऐसा लगेगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो फोटो के कलर क्वालिटी को या फिर फोटो में जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है इस स्मार्टफोन के लो लाइट परफॉर्मेंस में, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी इसे जरूर से सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा फिक्स कर सकती है। और कंपनी ने क्लेम किया है कि हम 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाले हैं, तो जरूर से Redmi को अपने Redmi Note 13 Pro Plus में जो लो लाइट परफॉर्मेंस है कैमरे की उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। बाकी इस स्मार्टफोन के कैमरे में कोई भी और प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ कमियां हैं, ये कुछ अच्छाइयां हैं Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में, जो कि अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जरूर से आपको इसके बारे में जानना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो यहां पर इसमें इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। 120 का चार्जर देखने को मिलता है इस सेगमेंट में, साथ ही साथ आपको एक कर्व डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है। तो नो डाउट जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी परफॉर्मेंस पैक स्मार्टफोन है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कैमरे से मतलब बहुत ज्यादा वो है कि मुझे एक अच्छी डिसेंट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो यहां पर आप और भी स्मार्टफोन्स को देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जूमिंग जो कैपेबिलिटी है वो आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। जबकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि रियलमी वगैरह अभी अपने रियलमी जैसे कि रियलमी 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने ही वाला है, तो इसमें आपको 120x जूम देखने को मिलता है, तो उतनी कैपेबिलिटी इस स्मार्टफोन में नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप और भी ब्रांड के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि आपका बजट अगर 30 से 35 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं और आप बहुत सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन लेना है, आपने इस स्मार्टफोन को लेने का मन बना लिया है, तो नो डाउट आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में? आप में से जो लोग इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, मुझे पता है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के आने के बाद में क्या कुछ आपको बग्स देखने को मिले हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर नहीं आई हैं, फोन आपका कैसा चल रहा है, ये हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों यह था उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।